हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मार्किंग या लेआउट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मार्किंग या लेआउट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। और क्या पढ़ा? मार्किंग मीडिया क्या होती है, मार्किंग मीडिया कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्किंग या लेआउट टेबल क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मार्किंग या लेआउट टेबल के बारे में पढ़ते हैं। तो मार्किंग या लेआउट टेबल क्या होता है, ये आयताकार और वर्गाकार बनी होती है, और जिसकी क्या साइज क्या होता है, 1 मीटर इसकी विड्थ या चौड़ाई होती है, जबकि 1.5 मीटर ये लंबाई में होती है। उसके ऊपर क्या करते हैं, हम जाप को रखते हैं। जाप के साथ साथ साधारण मेजरिंग जो टूल्स होते हैं, जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर या डिवाइडर हो गया, है ना, स्टील रूल हो गया, हैमर वगैरह हो गए, पंच वगैरह हो गए, ये सारी चीजें उस हम मार्किंग या लेआउट टेबल पर रखकर और जाप पर मार्किंग करते हैं। इसके बाद मार्किंग करने के बाद जो मार्किंग को पक्का करने के लिए हम लोग पंचिंग ऑपरेशन भी मार्किंग या लेआउट टेबल पर कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये किस चीज की बनी होती है, ये किस चीज के ऊपर रखी होती है, तो ये माइल्ड स्टील का एक स्टैंड होता है, उसके ऊपर इसको फिट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक साधारण कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है, या रफ कार्यों के लिए आप कह सकते हो कि रफ कार्यों में अगर मार्किंग करनी है, रफ जापों में मार्किंग करनी है, तो मार्किंग या लेआउट टेबल का उपयोग करते हैं, ठीक। ये देखिए, एक दिखाया है मार्किंग या लेआउट टेबल इस टाइप में बनी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सरफेस प्लेट क्या होता है। देखिए, सरफेस प्लेट क्या है, वर्कशॉप में, सभी वर्कशॉप में यूज की जाती है, क्योंकि मार्किंग जो होती है वो सरफेस प्लेट में ही की जाती है, ठीक है ना। जो रफ मार्किंग होती है वो तो मार्किंग या लेआउट टेबल में कर लेते हैं, लेकिन सरफेस प्लेट में जो परिशुद्ध माप होती है या एक्यूरेसी में मार्किंग करनी होती है, वो हम सरफेस प्लेट में करते हैं। तो सरफेस प्लेट क्या होती है, कैसी बनी होती है, ये भी आयताकार या वर्गाकार, जैसे मार्किंग या लेआउट टेबल बनी है, तो ये भी आयताकार व वर्गाकार बनी होती है, और इसकी ऊपरी सतह जो है, या ऊपरी सतह या साइड की सतह जो होती है, वो मशीनिंग व स्क्रैप करके बनाई जाती है, ठीक है ना। परंतु क्या होता है, इसकी ऊपरी सतह पे क्या रखे जाते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र अर्थात प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स ही केवल इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर हो गया, साइन बार हो गया, स्लिप गेज वगैरह हो गए, तो ये जितने प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स हैं, उनको ही हम सरफेस प्लेट के ऊपर रखकर मार्किंग करते हैं, ठीक है ना। अब ये साइज के अनुसार कितने किस किस साइज में आती है, तो देखिए, साइज के अनुसार ये 100 × 100 सेंटीमीटर माने 100 सेंटीमीटर लंबी, 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 से 7 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस या मोटाई में होती है। जबकि और कौन सी आती है, एक आती है 50 × 50 अर्थात 50 सेंटीमीटर चौड़ी, 50 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 से 5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। और भारतीय मानक पद्धति के अनुसार जो 50 × 50 सेंटीमीटर वाली जो सरफेस टेबल है, वह ही मानक के अनुसार मानी जाती है, ठीक है ना। अब वो कैसी बनी होती है, तो देखिए, वो इसके क्या होता है, नीचे का भाग जो है वो खोखला होता है, और उसके सपोर्ट के लिए उसमें क्या है, नीचे रिप्स बनी होती है, ठीक है ना। अब इसको कैसे तैयार किया जाता है, सरफेस प्लेट बनाई कैसे जाती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सरफेस प्लेट बनाने के लिए 3 प्लेटों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। 3 प्लेटें हो गई, जैसे ये देखिए, 3 प्लेटें हो गई, एक ये हो गई, ये दूसरी ये, और तीसरी ये 3 प्लेट हो गई। इसको नाम रख दिया का, ये रख दिया खा, और ये हो गया गा, या एबीसी कोई भी सिंबल इस तरह के लगा सकते हैं। तो ये 3 प्लेटें हम पहले तीन प्लेटें हमें चाहिए होती हैं। फिर क्या होता है, इन तीनों प्लेटों में हम पर्शियन ब्लू को लगा लेते हैं, पतला सा एक लेप लगा लिया, ठीक है ना। तीनों प्लेटों में पर्शियन ब्लू का एक पतला लेप चढ़ा दिया। अब क्या करते हैं,
पहले मान लीजिए का प्लेट है, इसको हमने बेस मान लिया, का प्लेट को सबसे पहले हमने बेस मान लिया, ठीक है ना, ये बेस हो गया। अब क्या किया, का प्लेट के ऊपर हमने खा प्लेट को रखा, ठीक है ना, और हमने बताया पर्शियन ब्लू का पतला लेप लगा लिया दोनों प्लेटों में। अब का प्लेट के ऊपर ये बेस है और खा प्लेट को हमने उसके ऊपर रगड़ा, और रगड़ के उस पर हमने दो तीन रगड़ा, तो उसमें क्या किया, देखा हमने कि का प्लेट में कुछ निशान नीले नीले आ गए, ठीक है ना, दो जो हमारे ये ब्लू का था वो निशान आ गए। फिर हमने स्क्रैपर का उपयोग किया और स्क्रैपर के द्वारा उसको छीला, जहां जहां सिर्फ निशान आए, स्पॉट जहां जहां आए ब्लू, तो उसको हमने छील दिया, ठीक है ना, फिर छील के उसको साफ कर दिया। उसके बाद फिर हमने यही किया, हमने फिर खा प्लेट को का प्लेट पे फिर ब्लू लगाया और उसके बाद फिर रगड़ा, रगड़ के देखा कि पहले जो निशान कम थे अब निशान वो ज्यादा आ गए, ठीक है ना, क्योंकि जो हाई स्पॉट है वो काटे हमने, छील दिए हाई स्पॉट, ठीक है ना। फिर देखा कुछ हाई स्पॉट रह गए, तो उनको फिर हमने क्या किया, उसी को छीला स्क्रैपर के द्वारा, हमने ये स्क्रैपिंग क्रिया होती, क्योंकि हमने बताया सरफेस प्लेट जो है स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग करके बनाए जाते हैं, मशीनिंग और स्क्रैपिंग करके, तो उसको फिर हमने छीला, ठीक है ना, फिर साफ किया, फिर देखा कि पहले की अपेक्षा अब ब्लू जो है ज्यादा जगह में आ गए, प्लेट में काफी जगह आ गए। फिर यही किया हमने, फिर तीसरी बार ये किया, फिर ब्लू लगाया, ब्लू लगा के फिर हमने का प्लेट के ऊपर खा प्लेट को रगड़ा, रगड़ के देखा, तो एक समय दो तीन चार बार ये करने के बाद, ये क्रिया करने के बाद हम देखते हैं कि पूरे में ब्लू निशान आ जाते हैं, अर्थात जो हाई स्पॉट पॉइंट थे वो हमारे कट गए, ठीक है ना। फिर हमने इसको अलग कर दिया, फिर अब हमने क्या किया, अब खा प्लेट को लिया, अब इसको हमने बेस में रखा, ये खा प्लेट हमने अब ये बेस में रखा, और इस गा प्लेट को लिया और गा प्लेट को ऊपर रखा, ठीक है ना। अब गा प्लेट में भी यही किया, हमने ब्लू निशान लगाए और उसके लगा के और फिर खा प्लेट पर उसको रगड़ा, ठीक है ना, वही फिर आया, उसमें कुछ ब्लू के निशान आए, हाई स्पॉट जो थे वो आए, उसको फिर हमने स्क्रैपर के द्वारा छीला, फिर उसके बाद फिर रगड़ा, फिर देखा कि ऐसे ही दो तीन बार ये प्रक्रिया करने के बाद तो हम देखते हैं कि इस पे पूरी जो प्लेट होती है वो ब्लू हो जाती है, अर्थात ये प्लेट भी हमारी सही हो गई। फिर हमने क्या किया, अब हम घा प्लेट को बेस मानेंगे, इसको हमने बेस माना, अब हमने घा प्लेट को बेस माना और ऊपर का प्लेट को रखा, ठीक है ना। फिर ब्लू, वही ब्लू लगाया, पर्शियन ब्लू को लगाया, ब्लू लगाने के बाद फिर हमने रगड़ा, रगड़ के देखा जो हाई स्पॉट थे उसको साफ किया, फिर ब्लू लगाया, फिर इस तरीके से देखा कि पूरी प्लेट वो भी ब्लू हो गई। तो इस तरीके से रगड़ कर हम क्या है, इसको सरफेस प्लेट को तैयार करते हैं। सरफेस प्लेट कितने प्रकार की होती है, तो देखिए धातु के अनुसार सरफेस प्लेट निम्नलिखित प्रकार की होती है। अब पहला हम लोग पढ़ते हैं ढलवा लोहे की सरफेस प्लेट, अर्थात कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। ये कैसी होती है, तो देखिए ये सरफेस प्लेट जो है वो कास्ट आयरन की बनी होती है और माइल्ड स्टील के इस पे दो हत्थे लगे होते हैं। ये देखिए अब दिखाया गया, ये माइल्ड स्टील के दो हत्थे या हैंडल लगे हुए हैं, ठीक है ना। और क्या है इसके जो, और सरफेस का जो किनारा है ना, जो किनारे सरफेस प्लेट के किनारे जो है जो बेस से कुछ अधिक बाहर निकले हुए होते हैं। वो क्यों निकले होते हैं, जिससे हमारा कोई जाप वगैरह है उसको अगर हमें क्लैंप करने की आवश्यकता पड़ जाए तो हम जाप को क्लैंप भी कर लेते हैं, सी क्लैंप के द्वारा हम उसको जाप को क्लैंप कर लें, इसलिए उसको किनारे जो है वो बाहर निकले होते हैं। और क्या होता है, इसकी जो साइडें होती हैं या ऊपर की सतह जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो मशीनिंग व स्क्रैप करके बनाई जाती है, क्योंकि सरफेस प्लेट बहुत एक्यूरेसी में होती है, तो स्क्रैपिंग के द्वारा उसको बनाई जाती है। कैसे स्क्रैपिंग के द्वारा बनाते हैं ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। और क्या होता है, और इसकी जो यथार्थता है ना, यथार्थता माने एक्यूरेसी जो है वो ग्रेडों में मिलती है। कौन कौन से ग्रेड होते हैं, दो ग्रेड होते हैं इसकी यथार्थता या परिशुद्धता या एक्यूरेसी को दो ग्रेड में मापा गया है। एक क्या होता है, ए ग्रेड होता है, दूसरा बी ग्रेड होता है। तो ए ग्रेड वाली जो होती है उसकी जो यथार्थता या एक्यूरेसी होती है वो 0.005 mm, अर्थात 5 माइक्रोन की एक्यूरेसी में वो बनी होती है, इसलिए उसका उपयोग टूल रूम वगैरह में किया जाता है।
जबकि दूसरी बी ग्रेड वाली जो सरफेस प्लेट होती है उसकी यथार्थता जो होती है एक्यूरेसी क्या होती है 0.02 mm अर्थात 20 माइक्रोन की एक्यूरेसी में होती है और उसका उपयोग साधारण वर्कशॉप वगैरह में किया जाता है। अब सरफेस प्लेट की यथार्थता जो है वो चेक कैसे की जाती है, तो उसको डायल लगा के DTI डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा उसकी परिशुद्धता को हम चेक करते हैं और इसका उपयोग जो है वो चपटी सतहों को फ्लैटनेस के लिए करते हैं और इसके साथ साथ ट्राई स्क्वायर को भी चेक कर लेते हैं, एंगल प्लेट, बी ब्लॉक, इन सबको आधार प्रदान करने के लिए भी सरफेस प्लेट का उपयोग किया जाता है। जैसे एंगल प्लेट में किसी जॉब को हमने क्लैंप कर लिया है ना, या बी ब्लॉक में कोई जॉब को रखा, तो उसका बेस या आधार तो सरफेस प्लेट के ऊपर रखेंगे तो बेस जो हमारा बिल्कुल 0-0 हो जाएगा, उसके ऊपर रखकर हम मार्किंग करते हैं। तो ये हो गए, ये इस प्रकार के ये हमारे आपको हमने बताया। अब पढ़ते हैं दूसरी कौन सी होती है सरफेस प्लेट, ग्रेनाइट। पहली कास्ट आयरन की पड़ी, दूसरी ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट क्या होती है, यह एक प्रकार के पत्थर से बनाई जाती है, अर्थात ग्रेनाइट एक स्टोन होता है, पत्थर होता है, उसके उससे बनाई जाती है, जिसे ग्रेनाइट कहते हैं। इस पर क्या होता है, इस पर भी ना तो जंग लगती है और ना ही ताप व ऊष्मा का इस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। और कार्य करते समय इस पर अगर खरोच भी आ जाए तो इसकी परिशुद्धता या एक्यूरेसी में कोई अंतर नहीं आता है और कार के अनुसार क्या है ये कई साइजों व आकारों में मिलती है। तो ये हो गई ग्रेनाइट की, पहली कास्ट आयरन की पड़ी, दूसरी ग्रेनाइट। और तीसरी कौन सी सरफेस प्लेट होती है, तीसरी सरफेस प्लेट होती है ग्लास सरफेस प्लेट, ठीक है ना। ग्लास सरफेस प्लेट कैसी होती है, देखिए ये कांच की बनी सरफेस प्लेट होती है और इसका साइज क्या होता है 15x15 अर्थात 15 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और भी विभिन्न प्रकार की जैसे 60 से 90 सेंटीमीटर तक की ये साइज में आती है। और इसकी परिशुद्धता कितनी होती है, एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.004 mm से लेकर 0.008 mm तक अर्थात 4 माइक्रोन से लेकर 8 माइक्रोन तक इसकी परिशुद्धता होती है, माने काफी एक्यूरेसी में ये ग्लास वाली होती है जो बहुत एक्यूरेसी में बनाई जाती है, ठीक है ना। और क्या होता है, इस पर भी ग्लास है तो ग्लास में जंग तो लगता नहीं, तो इस पर भी जंग नहीं लगता और कार के अनुसार ये भी कई साइजों में आती है। और इसका क्या है उपयोग जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स, क्योंकि ये ग्लास की होती है, अगर भारी लोहे के पार्ट्स रख दोगे तो टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स जैसे एल्युमिनियम के पार्ट्स, कॉपर के पार्ट्स है ना, इस तरीके से जो हल्के जॉब होते हैं उनको रखकर इस पर मार्किंग करते हैं। ये तीन प्रकार की सरफेस प्लेट पड़ी हम लोगों ने, पहले पढ़ा मार्किंग या लेआउट टेबल क्या होती है, फिर हमने मार्किंग लेआउट टेबल के बाद पढ़ा सरफेस प्लेट के बारे में कि सरफेस प्लेट क्या होती है, इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है और ये कैसे बनाई जाती है वो भी हमने बताया। इसके बाद सरफेस प्लेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट, तो सरफेस प्लेट बताया तीन प्रकार की होती है, पहली कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, दूसरी होती है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट और तीसरी ग्लास सरफेस प्लेट। तो ये आपको सरफेस प्लेट के बारे में जानकारी हुई।